ये है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बोल रहे हैं कि स्मृति ईरानी मेरी बहन है और कपड़ा मंत्री है और मैं 10,000 साड़ी सूरत से मंगा रहा हूँ 30 लाख में लाल बर्रा में बांटूंगा। देखता हूँ लोग वोट कैसे नहीं देंगे, वहाँ ठेका चलता है मेरा। 100 करोड़ रुपए दूंगा मोदी को और फिर मैं मंत्री बन जाऊंगा। glitch.in इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इधर सुन, 10,000 बना रहा हूँ साड़ी। इतनी क्योंकि 30 लाख प्रिंटिंग से आ रही था वहाँ से, सूरत से प्रिंटिंग प्रेस से। कपड़ा मंत्री मेरी बहन है, कौन स्मृति ईरानी, उसने बालाघाट में आकर के बेटी बचाओ अभियान शुरू की। याद है मेरी बहन है, वो कपड़ा मंत्री ने बोली प्रोडक्शन का बोली छप रही है। 10,000 साड़ी लाल बना के वो जो बनाया ना आनंदम, वहाँ से 5 पंचायत बटे चुनाव कर देखता हूँ कैसे देखते हो। हमारी तो सही ऐसा ही घर घर में फूट खाना खिलाते हैं, तालाब में आते हैं। अभी मल्टी बन रही है 2.5 करोड़ का, मल्टी स्टोरी मंडी बन रही है, मल्टी स्टोरी 65 मिले और पकौड़ा में नई मंडी बन रही, नई मंडी पकौड़ा को 5 करोड़, इसको 2.5 करोड़। लाल बना के भी गली नहीं बचेगी। अब देखो उतना बड़ा कॉलेज है, 1 करोड़ की बाउंड्री दे दी, 1 करोड़ की पूरी बाउंड्री अभी बजट में कहते हैं। बालाघाट अस्पताल 500 बेड का हो गया, अब खुलेगा मेडिकल कॉलेज, चुनाव के पहले मेडिकल कॉलेज के काम शुरू। कैसे उठ लीजिए मेडिकल कॉलेज और कहाँ अभी हो जाएगा उसका क्या है? पहले साल 300 का था, 300 का था, 200 का था, तो अरे कार्रवाई हुई कि मेडिकल काम शुरू। छिंदवाड़ा तो मेडिकल कॉलेज अलग है ना, हम इस साल 5 शुरू कर रहे हैं। छिंदवाड़ा एक, तुम्हारा दतिया 2, सहलो 3, ऐसे 5, और फिर छठवा नंबर बालाघाट। अभी एग्रीकल्चर कॉलेज खोलूंगा सिवनी में अथवा छिंदवाड़ा में, मैंने कहा छिंदवाड़ा में खोलेंगे, दोनों में क्या होगा? नाम हटाते तो उसके बराबर भारत सरकार को मंत्री कभी धोखे से कृषि मिल गया तो जल जाएगा पूरे देश लेगा कृषि। मेरे को उसी की पढ़ाई है, बाकी के नहीं। भाई अपन किसान है ना, अपना मुद्दा गया नहीं तो फिर वन दे दो राष्ट्रीय वन प्रधान एमए बांटनी में सी तो वन चले। ये पहले ठेका होगा तो मैं नरेंद्र मोदी से तोड़ूंगा और ठेका राजनीति से तो प्रभाव तोड़ूंगा नहीं बनने तो मैं लड़ूंगा। 100 करोड़ का लगेगा, 100 करोड़ कपल हाल वो कर रही बैठ लू अच्छा क्या करना है नाम होना चाहिए। अरे मेरे दोस्त को कितने पैसे भेज देंगे कि नहीं मैं कमीशन छोड़ कर रमेश का ओपन जो नहीं करता, मैं काम अच्छा करूँगा। मेरे दोस्त है ना देर, वो तो आप जिसको बोलते हो। अभी एक को बोला तो 500 दिन तेल भेज दिया, 16 दिन एक ने 50 किलो चना भेजा है, जाके देख लो स्टॉक है। मेरे को एक ने 150 रुपये को 5 रुपये चावल भेजा, मेरे को ऐसे पैसे लेते हैं, पैसे लेते ही नहीं भेजेगा तुमको। हाँ जनता के लिए चावल दो, दाल दो, तेल दो, भाई बिना उसके तो मैं कर नहीं सकता पैसे नहीं। अरे इधर बेटा इधर इसका नाम लिख हमारे दरोगा साहब का इधर। अरे इधर ना, तेरे को आशीर्वाद आज ढेर से।
For more information, log on to www.clips.in.